हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेंटर 36। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं ईवीएस पेडागॉजी एंड ईवीएस सब्जेक्टिव पॉइंट के अंदर, सीटेट के अंदर सुपर सेंसेस चैप्टर को। सुपर सेंसेस ये जो है क्लास 5 का चैप्टर नंबर 1 है, जिसके अंदर सुपर सेंसेस की बात करी जा रही है। यहाँ पे आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको शॉर्ट में, जिसको कि अगर आप माइंड में रखते हैं तो डायरेक्टली इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सुपर सेंसेस पे यहाँ पे सीधा सीधा मतलब बताया गया है कि सुपर सेंसेस का मतलब होता है जो हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उसके बारे में, जो हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे स्मेल है, यानी कि स्मेल है, टेस्ट है, और फिर हियरिंग है, सीइंग है, एंड स्किन है, फीलिंग है, यानी कि हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, ईयर्स, नोज, आईज, माउथ एंड स्किन, टंग एंड स्किन, इन 5ों के बारे में बात की गई है। यानी कि इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पावर्स हैं, और कुछ ऐसे जानवर्स होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे जानवर हैं जिनके अंदर कोई सेंस, यानी कि कोई पर्टिकुलर सेंस की पावर कुछ ज़्यादा ही होती है। जैसे चील के अंदर देखने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, कुत्ते के अंदर सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे सेंसेस को यहाँ सुपर सेंसेस कहा गया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्निफिंग, अ डॉग कैन स्निफ, इस तरीके से बात की जाती है। और जैसे एक ईगल जो है बहुत दूर से ही रोटी को देख लेती है, आप कहीं पे गुड़ का टुकड़ा गिरा देते हैं तो वहाँ पे चींटियाँ अपने आप ही आ जाती हैं। तो ये सारी, यानी कि जो एक चींटी है उसके अंदर सूंघने की शक्ति ज़्यादा है, अगर हम देखें एक कुत्ते के अंदर तो सूंघने की शक्ति ज़्यादा है, अगर हम देखें एक चील को तो उसके अंदर देखने की शक्ति बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर हमने बात करी सुपर सेंसेस के बारे में। तो यहाँ पे सुपर सेंसेस का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा सेंस जिसकी पावर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। जैसे एंट्स हैं, जैगरी को देख करके उसके ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि नाउ यू कैन यू गेस वाई द एंट बिहेव लाइक वेन यू ब्लॉक देयर पाथ। अब जैसे अगर चींटियों के सामने कोई पाथ ब्लॉक कर देते हैं तो वो किस तरीके से काम करते हैं, इसके बारे में दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे सिल्क वॉर्म के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आई एम ए सिल्क वॉर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाई हर स्मेल। यानी कि एक सिल्क वॉर्म जो है उसकी सूंघने की शक्ति इतनी तेज होती है कि वो 1 किलोमीटर दूर से भी, यानी कि बहुत दूर, कई किलोमीटर दूर से भी एक फीमेल सिल्क वॉर्म को सूंघ के पहचान सकती है। तो ये पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है, इसको आप देख सकते हैं। डॉग्स के अंदर स्निफिंग, यानी कि सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड, दे कैन मेक इट अनदर डॉग हैज कम इनटू देयर एरिया बाय स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी। यानी कि एक जो डॉग है वो अपने एरिया को अपने यूरिन या पॉटी से मार्क कर देता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं, जब हम आगे चलेंगे तो स्मेल जो है कुछ स्मेल जो है बैड स्मेल होती है और कुछ स्मेल गुड स्मेल होती है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, जैसे ये है, ये एक स्टोरी है रजनी की, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पे दो औरतें हैं, यानी कि दोनों का अपना एक एक बच्चा है, लेकिन एक दिन क्या होता है, ये जो औरत है, यानी कि ये औरत जो है किसी दूसरे के बच्चे की नैपी चेंज करती है। जब ये दूसरे के बच्चे की नैपी चेंज करती है तो ये अपने नाक पे एक ये चुन्नी लगा लेती है, लेकिन जब अपने बच्चे की नैपी चेंज करती है तो ऐसा कुछ नहीं लगाती है। मतलब दोनों के केस में नैपी लगा रही है, लेकिन एक के केस में उसको बदबू नहीं आ रही, दूसरे के केस में बदबू आ रही है। यहाँ पे इस पॉइंट को देखा जा रहा है। तो यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि कोई स्मेल बैड होगी या गुड, ये डिपेंड करता है कि कोई इंसान उसके साथ कैसा रिएक्ट करता है। जैसे अगर देखा जाए तो एक माली के लिए फूल की स्मेल बहुत अच्छी होगी, लेकिन उसको मछली की स्मेल से बहुत बहुत एलर्जी होगी। लेकिन वहीं अगर जो एक मछली की दुकान है जिसकी, उसके लिए मछली की जो गंध है वो उसके लिए कोई खास नुकसानदायक नहीं होगी। तो यहाँ पे इस चीज के बारे में लिखा हुआ है कि, यानी कि जो स्मेल है वो सही है कि गलत, वो मतलब बदबू है या सुगंध, ये डिपेंड करता है कि कौन उसको सूंघ रहा है और वो उसके बारे में क्या समझ रहा है। यानी कि इज अ स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे, यानी कि कोई स्मेल गुड है या सही है, क्या सभी के लिए सेम होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इट डिपेंड्स हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट।
अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, लुकिंग बोथ ऑफ द आईज, यानी कि हम अब यहाँ पे आंखों के बारे में लिखा हुआ है कि दोनों आंखें हमारी सामने हैं, पक्षियों की आंखें अलग अलग साइड में होती हैं, तो ये किस तरीके से इफेक्ट डालती हैं देखने के अंदर, फोकस बनाने में किस तरीके से दिक्कत होती है, देखने में किस तरीके से प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में लिखा हुआ है कि किस तरीके से दोनों आंखें सामने होने की वजह से ये अच्छा रहता है कि हम सही तरीके से फोकस कर पाते हैं, और जिनकी आंखें साइड में होती हैं वो किस तरीके से प्रॉब्लम में रहते हैं। अब आप देखिए, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है कि अगर आप किसी कॉइन को ऊपर टॉस करते हैं और ऊपर फिर दोनों आंख से देख करके उस टॉस को पकड़ते हैं, लेकिन यही एक्टिविटी अगर आप एक आंख बंद करके करेंगे तो क्या कोई परेशानी होती है हमें करने में? यस, हमारे लिए ये ज़्यादा इजी नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि हमारा फोकस नहीं बन पाता। यहाँ पे जैसे काइट्स, ईगल, वल्चर है, इनकी देखने की शक्ति बहुत तेज होती है। अब यहाँ पे ये देखिए, अब ये पिक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सेम पिक्चर है, ऐसा नहीं कि चार अलग अलग फिल्टर्स लगाए हुए हैं, ये चार पिक्चर है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, ये बच्चा, एक इंसान इस पिक्चर को किस तरीके से दिखेगा, अगर मतलब वही सीन को इंसान किस तरीके से दिखेगा, एक पक्षी किस तरीके से दिखेगा, एक कुत्ता किस तरीके से दिखेगा, मतलब एक जानवर किस तरीके से दिखेगा, और एक इंसेक्ट किस तरीके से दिखेगा, यानी कि इन सब लोगों को ये चीजें किस तरीके से दिखाई देती हैं। आप देखेंगे इंसान और पक्षी में कुछ कलर्स कम हो जाते हैं, यहाँ पे कुत्ते में देखेंगे तो थोड़ा ग्रीन ग्रीन सा, उसको नाइट ब्लाइंडनेस होती है, और इंसेक्ट जो है वो कलर ब्लाइंड होते हैं, उनको तो कलर दिखाई ही नहीं देता। अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे इस बच्चे के हाथ में ये रोटी है, लेकिन चील जो है बहुत ऊपर से ही इसको देख पा रही है, क्योंकि उसके पास सुपर सेंसेस हैं, किस रूप में, सुगंध के रूप में, यानी कि सॉरी सुगंध नहीं, देखने के रूप में, आइस के रूप में। अब ये देखिए, अब आगे चलते हैं। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे, जैसे यहाँ पे ये है वाइब्रेशंस, जैसे हम किसी चीज़ को जब सुनते हैं तो नॉर्मली जब सुन रहे हैं और कान लगा करके, यानी कि बेंच के ऊपर रख करके अगर हम उसको सुने तो क्या दोनों में क्या कोई डिफरेंस होगा? यस, डिफरेंस होगा। जब हम नॉर्मली सुनते हैं तो साउंड वेव्स हमारे कान में आती हैं, लेकिन जब हम बेंचेस पे कान लगा करके सुनते हैं तो इसका मतलब होता है साउंड भी आती है, साथ में वाइब्रेशंस भी आती हैं, यानी कि डबल वाइब्रेशंस आती हैं, जिससे हमें वो चीज़ काफ़ी लाउड समझ में आती है, और बहुत धीरे वाली वाइब्रेशंस भी, बिकॉज जो वाइब्रेशंस हैं वो सॉलिड चीज़ों में बहुत तेज़ी से दौड़ती हैं, इस वजह से जब हम कान लगा के हल्की सी हलचल भी बेंच पे करते हैं तो वो हमें सुनाई देती है। लेकिन अगर हम बेंच पे कान लगा करके नहीं रहते और फिर बेंच पे हल्की फुल्की हलचल करते हैं तो वो साउंड हमें सुनाई नहीं देता। अब साउंड सेंड मैसेज, किस तरीके से साउंड मैसेजेस देते हैं, यानी कि जैसे लंगूर्स जो हैं, लंगूर आप देखेंगे तो क्या करते हैं, कुछ अजीब तरह के साउंड बनाते हैं, यानी कि हर एक जानवर के अपने स्पेशल साउंड सिग्नल्स हैं, हर एक जानवर के अपने अलग साउंड सिग्नल्स हैं, जिसका इस्तेमाल वो क्या करती है, डेंजर के समय एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देने में। तो आपने देखा होगा हर एक जानवर का अपना ग्रुप होता है, वो अपने हिसाब से चीज़ों को बोलते हैं। आप यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दिसंबर 2004 फ्यू ट्राइब्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट ऑफ अंडमान आइसलैंड नोटिस दैट द एनिमल बिहेविंग इन अ डिफरेंट मैनर, दे गेस सम डेंजर सो दे मूव अवे टू अ सेफर पार्ट ऑफ द आइलैंड, सून आफ्टर द आइलैंड वर हिट बाई द सुनामी बट दीज पीपल्स वर सेव्ड। आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें किस तरीके से कुछ ट्राइब्स जो हैं पता लगा लेती हैं, यानी कि कुछ ऐसे सिग्नल्स उनको मिल जाते हैं, या कुछ इस तरीके से वो आसपास के अंदर जो आने वाले चेंजेस होते हैं उसको गेस कर पाते हैं, जो कि एग्जिस्टेड चेंजेस होते हैं, जैसे मछलियाँ इधर उधर, मछलियाँ वहाँ से जाने लग जाती हैं, या कि वहाँ की वेजिटेशन में कुछ चेंजेस आता है, वहाँ के इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आता है, उस हिसाब से वो कुछ गेस कर लेते हैं। तो 2004 के अंदर जो अंडमान के अंदर सुनामी आई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो अंडमान के अंदर सुनामी आई थी दिसंबर 2004 में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। इस समय वहां के लोगों ने, कुछ ट्राइब्स ने अपनी जान बचा ली थी। अब यहाँ पे डॉल्फिन्स देखिए, डॉल्फिन्स क्या है, डॉल्फिन्स की क्या है, अपनी स्पेशल लैंग्वेज है। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि सभी जानवरों की, यानी कि बहुत सारे जानवरों की अपनी स्पेशल लैंग्वेज होती है, जिसमें वो अपना कम्युनिकेशन करते हैं। डॉल्फिन की भी अपनी स्पेशल साउंड है जिससे वो कम्युनिकेट करती हैं। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। अब ये देखिए स्लॉथ के बारे में, देखिए स्लॉथ जो है बियर के जैसा दिखता है, लेकिन ये बियर नहीं है। एक स्लॉथ जो है कितने घंटे सोता है, 17 घंटे सोता है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। स्लॉथ लिव अबाउट 40 ईयर्स, स्लॉथ जो है वो 40 साल तक जिंदा रहता है। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें देखिए स्लॉथ जो है, यहाँ पे जो ये जो चीजें है ना, ब्लैक ब्लैक से जो दी हुई है, मतलब इतने इतने टाइम वो सोता है। यहाँ पे आप देखिए,
टाइम फॉर विच स्लॉथ इज अवेक, यानी कि एक जो खाना है वो 2 घंटे का है, यानी कि 6 घंटे ही उठा रहता है और बाकी जो पार्ट है यानी कि डार्क पार्ट जो है उतना वो सोता है। तो यहाँ से 3 चला गया यानी कि 9 है, 9 तो नहीं है, लगभग 18 घंटे वो सोता है। अगर हम एक लिजर्ट की बात देखें तो देखिए यहाँ पे डार्क पार्ट तो है ही नहीं, लगभग 1 घंटा सोता है और बाकी दिन जगा ही रहता है। अगर हम काऊ को देखें तो काऊ देखिए 2 यानी कि 4 घंटे सोता है और बाकी सारा टाइम जगा रहता है। पाइथन जो है लगभग सारा टाइम सोता है, केवल 6 घंटे ही जगता है। जिराफ जो है केवल 2 घंटे सोता है, बाकी सारा टाइम जगे रहता है। और एक कैट आधा टाइम सोती है, आधा टाइम जगती है। अब आगे चलते हैं, ये देखिए टाइगर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। एक टाइगर जो है वो एक इंसान से 6 टाइम्स ज्यादा अच्छा देख सकता है। एक टाइगर की जो विस्कर्स होती हैं बहुत सेंसिटिव होती हैं, वो छोटी छोटी वाइब्रेशंस को पकड़ लेती हैं और वो हेल्प करती है टाइगर को अंधेरे में कि वो पता कर पाए कि आसपास शिकार कहाँ पर है। ए टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प दैट इट कैन मेक आउट अ डिफरेंस बिटवीन द रस्लिंग ऑफ लीव्स एंड साउंड ऑफ एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास। यानी कि टाइगर की जो कान है यानी कि सुनने की जो शक्ति है वो इतनी तेज होती है कि वो यानी कि पत्ते आपस में खड़खड़ा रहे, यानी कि पत्ते पत्ते आपस में लड़ रहे हैं उसका साउंड, और पत्ते या घास के ऊपर कोई चल रहा है उसका साउंड, दोनों में डिफरेंस पता कर लेती है कि यहाँ पे कोई अभी चल रहा है यानी कि कोई जानवर आ गया है, या फिर ये सिर्फ पत्ते हिल रहे हैं, उसमें वो डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। टाइगर मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट पर्पज, लाइक वेन इट इज एंग्री और कॉल आउट अ टाइग्रेस। यानी कि टाइगर जो है वो अलग अलग साउंड भी निकालता है, जैसे अगर वो गुस्सा है तो रोड यानी कि दहाड़ता है, और या जब टाइग्रेस को बुलाना होता है, शेरनी को बुलाना होता है, तो उस केस में वो उसकी साउंड अलग होती है। उसकी जो दहाड़ है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। आप समझ सकते हैं ये सारे पॉइंट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। ईच टाइगर हैज इट ओन एरिया, यहाँ पे जैसे कुत्तों का एरिया होता है वैसे ही यहाँ पे टाइगर का भी अपना एरिया होता है जो कि कई किलोमीटर्स तक होता है, ठीक है। और टाइगर जो है वो ए टाइगर कैन एट वंस कम टू नो इफ देर इज अनदर टाइगर इन इट्स एरिया बाई स्मेल ऑफ द यूरिन। यानी कि जिस तरीके से कुत्ते भी अपनी पॉटी और यूरिन से अपना एरिया मार्क कर देते हैं, ठीक उसी तरीके से शेर भी अपना एरिया यूरिन से मार्क कर देते हैं। अब यहाँ पे जो शेर, एक शेर है वो दूसरे शेर के एरिया में जाना पसंद नहीं करता, अवॉइड ही करते हैं, सभी अपना अपना एरिया बनाते हैं और वहीं पर वो शांति से रहते हैं। तो आजकल टाइगर, अब यहाँ पे टाइगर के ऊपर अलर्ट भी दिया हुआ है कि आजकल उनकी जनसंख्या यानी कि लोग बिजनेस के लिए उसको मारे जा रहे हैं, तो ऐसे केस में इनको बचाना भी काफी ज्यादा जरूरी है। यानी कि एलिफेंट्स को टस्क के लिए मार दिया जाता है, राइनोसोरस को हॉर्न के लिए मार दिया जाता है, क्रोकोडाइल एंड स्नेक्स फॉर देयर स्किन, उनके स्किन के लिए उसको मार दिया जाता है। तो किस तरीके से जानवरों पर अत्याचार हो रहा है उसके बारे में भी इसने पॉइंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज ये देखिए, द नंबर ऑफ टाइगर एंड मैनी अदर एनिमल्स इन आवर कंट्री इज रिड्यूसिंग, यानी कि टाइगर जो है वो धीरे धीरे उसका नंबर कम होता जा रहा है, और ऐसा डेंजर आ चुका है कि क्या पता वो खत्म भी हो सकते हैं। तो इन जानवरों को बचाने के लिए जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बनाए गए हैं तो उनको क्या कहते हैं, नेशनल पार्क या सेंचुरीज कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, तो देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ उपस्थित है, उत्तराखंड में, एंड घाना इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। घाना नेशनल पार्क कहाँ है, राजस्थान में है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन सब जगहों पर जानवरों को मारना या जंगल को नष्ट करना बैन है, यहाँ पे ऐसा काम नहीं कर सकते, ये सब जानवरों को बचाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हैव यू एवर नोटिस समटाइम सम सिंगर्स पुट देयर हैंड ऑन देयर ईयर वाइल दे सिंग। यहाँ पे कभी आपने देखा होगा कि सिंगर जब गाना गाते हैं तो एक कान में बंद कर लेते हैं और फिर गाना गाते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन ये है कि जब वो कान बंद करते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब हम कान खोल के गाना गाते हैं तो हमें 2 तरीके से आवाज सुनाई देती है। जब हम बोलते हैं तो वो बात हमारे मुंह से निकल के कान में आकर के हमको सुनाई देती है, और जब हम बातें बोल रहे हैं तो वाइब्रेशंस के साथ भी वो हमारी ब्रेन में जाती है, यानी कि 2 तरीके से वो आवाज़ हमें सुनाई देती है। लेकिन जब हम कान बंद कर लेते हैं तो हम वाइब्रेशंस को ही सुन पाते हैं, जिससे हमें वो वॉइस ओरिजिनल सुनाई देती है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि आप अपनी नॉर्मल वॉइस को जब आप सुनते हैं तो आपको अलग लगती है, और जब आप अपनी ही वॉइस को रिकॉर्ड करके सुनते हैं तो इन दोनों वॉइस में आपको डिफरेंस नजर आता है। इसके पीछे यही है, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो 2 तरीके से फ्रीक्वेंसीज आपके दिमाग में जाती हैं, लेकिन जब आप अपनी रिकॉर्डेड वॉइस सुनते हैं तो उस टाइम केवल कान से ही आपके पास साउंड सिग्नल्स जाते हैं।
चलिए, तो ये था इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर, ये सारी बातें हैं। और इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो आप किताबों में से ढूंढ सकते हैं, इसके अंदर और कुछ खास चीज नहीं है। तो इस हिसाब से ये चैप्टर हमारा हो जाता है कंप्लीट। आशा है आपको इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आई होगी। और अगर ऐसी वीडियोज आप चाहते हैं, यानी कि ईवीएस के हर एक चैप्टर के अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं डिस्कस करूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि हाँ ऐसा करना चाहिए, और सजेशन दीजिए कि और अच्छा इसको कैसे किया जा सकता है। वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, कि जिससे आपको अगर ऐसी वीडियो चाहिए और भी एक्स्ट्रा पेडागॉजिकल वीडियोस चाहिए, तो ऐसे केस में आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, धन्यवाद।